नमस्कार, आप देख रहे हैं अब टी न्यूज। अली डालते हैं आज की खबरों पर। अवैध कब्जा धारक से परेशान पीड़ित याकूब ने एसडीएम से लगाई गुहार। पीड़ित की जमीन पर दबंगों द्वारा किया जा रहा जबरदस्ती कब्जा। दबंग भू माफिया के सामने नतमस्तक हुई धर्मशिंगा पुलिस। एसडीएम के निर्देश के बावजूद नहीं रुक रहा अवैध निर्माण, दर्जर भटकने को मजबूर हुआ पीड़ित याकूब। एसडीएम मेहरावन ने एसएचओ धर्मशिंगा को किया था निर्देशित, प्रकरण की जाँच कर समाधान करने को दिया था निर्देश। धर्म सिंहवा थाने से महज 500 मीटर दूरी पर हो रहा अवैध कब्जा कभी भी हो सकती है अनहोनी घटना। पीड़ित याकूब आखिर क्यों अवैध कब्जा रोकने में नाकाम दिख रही है धर्म सिंहवा में पुलिस? कहीं अवैध कब्जा धारकों पर मेहरबान तो नहीं धर्म सिंहवा पुलिस? क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। याकूब जी, क्या मामला था, तहसील पे आए हुए? मामला यही है सर, धर्म सिंहवा में हमारी जमीन है जिसमें विपक्षी जलालुद्दीन उसमें अवैध निर्माण कर रहे हैं, जो कि थाने पर हमने दो बार अप्लीकेशन दिया है। एसओ साहब ने उनको दो बार बुलाकर सूचित किए हैं, बताए हैं उनको कि इस पर अवैध निर्माण ना करें, जिसकी पक्की फरमाइश हो चुकी है वही उसी की रोकथाम के लिए हम ये तहसील पर आए हुए थे एसडीएम साहब के पास, उसका आदेशित करवाए हैं, वही ले जाकर दरोगा साहब को देना है। नहीं तो थाने पर आपने शिकायत की थी इसकी? जी, दो बार की। तो क्या हुआ, मान नहीं रहे थाने पर? थाने पर एसओ साहब ने उनको दो बार बोले हैं, समझाए हैं कि इस पर अवैध निर्माण ना करो, मान नहीं रहे हैं। क्या मानते हैं उनकी? जी, क्या कह रहे हैं, क्या मानते हैं उनको, दबंगई है उनकी? वो सर दबंगई कर रहे हैं बार बार। हम उनको पहली बार जब मना करने गए कि जब उसकी पक्की पैमाइश हो गई है तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जब निशानदेही हो जाएगी तो आप अपना बनवा लीजिए, हम अपना बनवा लें। तो सर उनके बच्चे जो लड़के लोग हैं वो झगड़ा करने के आमादा हो गए, हम वहाँ से चले जाएंगे, जाके थाने पर सूचित किए। तो एसडीएम साहब से मिले आप, क्या क्या बोले? तो एसडीएम साहब से आदेश करवाए हैं, वो कहें कि ले जाके आप थाने पर दीजिए, इसके बाद नहीं मानते हैं तो कोई कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की जाएगी।